तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरे काम सीखना आपका, सीधे टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। 5 दिनों के अंदर आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, या फिर 1-2 दिन बढ़ा भी लो तो 1 हफ्ता, यानी कि बद से बद मान के चलो तो 1 हफ्ते के अंदर आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा दोस्तों। ऐसे यूट्यूब का एक नया रूल और एक नई पॉलिसी के साथ मोनेटाइज को लेकर यूट्यूब आ चुका है। पहले क्या होता था दोस्तों, आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए थे और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए था, उसके बाद आपका चैनल जो होता था वो अंडर रिव्यू में चला जाता था, जिसका प्रोसेस 1 से 2 दिन, 2 से 1 महीने, 2 से महीने, 3 महीने, 4 महीने और बहुत बहुत लोगों का 5-5, 6-6 महीने भी अंडर रिव्यू में चैनल रहा है। तो ऐसे भी कमेंट थे मेरे पास, लेकिन अभी क्या है, एक अलग जो रूल है, यूट्यूब का जो रूल आया हुआ है वो अब थोड़ा सा अलग हटके हो चुका है, क्योंकि आपका चैनल अब अंडर रिव्यू जैसे ही जाएगा, यानी कि मान लो 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम आपका जैसे ही कंप्लीट हुआ, चैनल गया मोनेटाइज में आपका अंडर रिव्यू में, और अंडर रिव्यू होने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, आपका अंडर रिव्यू से चैनल बाहर आ जाएगा। बहुत सो को तो ऐसा भी हुआ है कि सुबह अंडर रिव्यू में गया, शाम को ही आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो गया, तो ऐसे भी बहुत सारे लोगों का हुआ है। लेकिन पॉलिसी जो है वो ऐसे लोगों के लिए आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर आ रहे हैं, मतलब बहुत ऐसे लोग हैं यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं, बिगनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, तो उन्हीं को देखते हुए यूट्यूब ने ये सोचा है कि क्यों ना इन लोगों को भी ये सब चांस दिया जाए। लेकिन उसके भी कुछ टर्म्स हैं, उसके भी कुछ पॉलिसीज हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपको इन बातों का ध्यान रखना है, अगर आपका चैनल भी 1000 सब्सक्राइबर टच कर चुका है या फिर 4000 घंटे का वॉच टाइम आपका टच होना बाकी है, वो भी टच कर चुका है, तो आपको एक चीज़ यहाँ जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों बिना उसके आपका चैनल रिव्यू में तो जाएगा लेकिन आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, और कब तक नहीं होगा ये भी कुछ पता नहीं है। तो क्या है वो, पहला तो ये है कि आपके चैनल के अंदर कोई भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए, मतलब अगर एक आध है तो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी 15 वीडियो डली हुई हैं और 15 में से 13 वीडियो, 12 वीडियो या 10 वीडियो आपकी कॉपीराइट क्लेम पे है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी मान लो 10 वीडियो हैं YouTube पर, अपने चैनल पर 10 वीडियो है, 10 में से सिर्फ 2 पर कॉपीराइट क्लेम है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ, स्ट्राइक 1 भी नहीं होना चाहिए, ये खास तौर पर ध्यान रखें, अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक है तो आपका जो चैनल कितना भी हो जाए, 1000 से 2000 सब्सक्राइबर भी हो जाए, 4000 घंटे का वॉच टाइम भी हो जाए, लेकिन आपका अंडर रिव्यू रहेगा, और जब तक रहेगा जब तक वो स्ट्राइक नहीं हट जाता, उसके बाद कुछ एक्शन हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि किसी भी वीडियो को यूट्यूब से उठा के आपको अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डाल रही हैं, इस बात का खास ध्यान रहे दोस्तों। और जो आपका थंबनेल है, बहुत से लोग क्या करते हैं, थंबनेल यहाँ पर दिखा दिया कि 100 रुपये में 1000 रुपये का कैशबैक पेटीएम से, अब अंदर जाके देख रहे हो तो उसमें कुछ और ही बता रहा है, वो अंदर बता रहा है कि पेटीएम से इतने कैशबैक ऑफर चल रहे हैं, आप यहाँ से ही कर लो, वहाँ से भी कर लो। तो कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि आपके जो थंबनेल पर इंप्रेशन है उसी की वीडियो के अंदर भी इंप्रेशन होना चाहिए, यानी कि जो थंबनेल है वही अट्रैक्शन आपका वीडियो के अंदर भी होना चाहिए, थंबनेल पर जो बता रहे हो वही आपकी वीडियो के अंदर भी होना चाहिए, ऐसा ना हो थंबनेल कुछ और है वीडियो कुछ और है, तो उसकी वजह से भी आपका चैनल अंडर रिव्यू तो रहेगा लेकिन हो सकता है बंद भी हो जाए, डीमोनेटाइज भी हो जाए, मोनेटाइज तो होगा ही नहीं, ये तो श्योर। तो यहां पर ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी थी आपकी। अगर आपका इसके बाद भी मोनेटाइजेशन अंडर रिव्यू है, जिन लोगों का 1000 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम भी हो चुका है, उसके बाद भी अंडर रिव्यू चैनल है आपका, तो मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताओ। वीडियो कैसी लगी आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय।